तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर ही सत्य है। उस तक पहुंचने के लिए साधना, गुरु की सेवा और पवित्र आहार की जरूरत होती है। जब तक रहो गुरु के साथ, जब तक रहो गुरु के साथ, करो साधना और उपवास, गुरु चरणों में तुम्हें 2 दिन 4 दिन 1 दिन आधा दिन जो समय रहने का मिलता है, उस समय में उपवास रखो, कुछ खाओ पियो नहीं, पानी तक न पियो। जान लो तुम सत्पुरुष की संगति में हो तो तुम्हारी आत्मा उस समय अमृत को ग्रहण कर रही है, ईश्वरीय प्रकाश किरणों को ग्रहण कर रही है। गुरु चरणों में उपस्थित हुए हो तो अपने मन को सिमरन में लगाओ, मंत्र जपते रहो। संसार की तरफ, दुनिया की तरफ अपने ख्यालों को ना ले जाओ। जब तक तुम सत्पुरुष के संग हो, निश्चय ही तुम उस परम ब्रह्म के संग हो। ये मैंने तुमसे सच सच कह दिया है, यानी जब तक रहो गुरु के साथ, जब तक गुरु के साथ हो तो गुरु के ही साथ रहो। तुम्हारा शरीर सत्पुरुष के सामने और तुम्हारा मन कहीं दूर संसार में विचरण करे, ये उचित नहीं। जब तक रहो गुरु के साथ, करो साधना और उपवास। साधना में अपनी आत्मा को स्थित कर लो और उपवास करो, खाते पीते ही न रहो। जितना ज्यादा तुम खाते पीते हो उतने तुम ज्यादा स्थूल हो
होते चले जाते हो, उतना तुम ईश्वरीय जगत से दूर होते चले जाते हो। परमेश्वर तेरा नाम अमृत, परमेश्वर तेरा नाम अमृत हर एक को मिलता नहीं, तू देना भी चाहे तो लेने वाला मिलता नहीं। उस परमेश्वर का नाम जो तुम जप रहे हो, ये तुम्हें अमृत सिंधु के तट पर ले जाता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें सत्पुरुष मिले और सत्पुरुष ने ईश्वर की ज्योति को तुम्हारी हथेली पर रखा। ये अमृत, ये ज्योति, ये प्रकाश नसीब वालों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। आधी में से आधी रोटी खा के सबर करिए, आधी में से आधी रोटी खा के सबर करिए, अपने हृदय का प्याला परमेश्वर की ज्योति से कम खाओ, ताकि तुम अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय किरणों को भर सको। आधी रोटी में से भी फकीरों को करिए दान, आधी में से आधी रोटी भी फकीरों को करिए दान, अपनी तमाम जिंदगी उस रब को करिए दान। नीम नाने कर खुरद मर्दे खुदा, बजल दरवेशा को नद नीमी दिगर। ऐ परमात्मा के बंदे, अगर तेरे पास आधी रोटी है, गरीबी है, तंग हाल है, सबर कर। आधी में से भी आधी रोटी फकीरों को खैरात कर दे। परमेश्वर की तरफ से तुझको अमृत और अनंत शांति प्राप्त होगी। सूखा टुकड़ा खा के जपिए परमेश्वर का नाम, सूखा टुकड़ा खा के जपिए परमेश्वर का नाम। जिस हृदय में प्रेम नहीं, फीके उसके पकवान। सूखा टुकड़ा खा के उस प्रभु परमेश्वर से अपनी आत्मा का प्रेम लगा। एक फकीर हुए
15 बरस तक सिर्फ नमक की रोटी और गर्म पानी, शाम के वक्त खाते, पूरे दिन निर्जल उपवास रखते, पानी की बूंद तक न पीते। एक बार आसमान में एक फरिश्ता उड़ता जाता था। परमेश्वर की दरगाह में उसने प्रार्थना की, ए परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरी जात सच्ची है, तू अपने किसी ऐसे दोस्त से मुझे मिलवा कि जिसके साथ आज का उपवास मैं खोलूं और तेरी प्रशंसा उसके संग मिलके करूं। आवाज आई, जहां से तुम उड़ रहे हो ठीक इसी वादी में उतर जाओ और वहां एक हमारे दोस्त है, उनका नाम ये है, वहां चले जाओ। इस वक्त उनके उपवास का खुलने का समय होने ही वाला है। एक घर के सामने जाके उस फरिश्ते ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो फकीर उनको अपने संग ले गए, भोजन के लिए बैठे, वो ही नमक की रोटियां, गरम पानी, बस। फरिश्ता बड़ा हैरान मगर उस रोटी से स्वर्ग की सुगंध उठ रही है, ऐसी सुगंध, ऐसी खुशबू जो स्वर्ग के देवताओं और फरिश्तों को भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। कहा, ऐ धरती पर रहने वाले परमात्मा के दोस्त, तुम धन्य हो और मैं धन्य हूं कि आज तुम्हारे संग मुझे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का सौभाग्य मिला और तुम्हारे हाथ का ये टुकड़ा, सूखा टुकड़ा मुझे मिला। सतगुरु तेरा सूखा टुकड़ा मांगे देवता हाथ फैला के, है गुमान जिनके दिलों में वो गलेंगे नरक में जाके। परमात्मा के जो दोस्त हैं उनका जीवन त्याग, तपस्या,
वैराग्य से भरा हुआ होना चाहिए। सुना है कुंभ में हरिद्वार में कुछ शिष्यों ने अपने गुरु को 14,000 रुपए किलो की सब्जी खिलाई। गुरु को ऐसे उपहार और तोहफे लेना मुनासिब नहीं है। फकीरों को संतों को चाहिए कि वो अपने त्याग और तप की परंपरा को कायम रखें। सूखा टुकड़ा खाके जपिए परमेश्वर का नाम। जिस हृदय में प्रेम नहीं फीके उसके पकवान। अन्न है परमात्मा, अन्न है परमात्मा, करिए इसका सम्मान। इसको खा के आंख खुलें, देखे जगत जहान। अन्न का आदर करो, उसे फेंको नहीं। हाथ से टुकड़ा गिर भी जाता है उठा के खा लो। जमीन पे से गिरा हुआ अन्न जो उठा के खाया जाता है उस अन्न से तमाम तरह की बीमारियां और मरज ठीक होते हैं। गरीब का टुकड़ा भला जिससे टपके प्यार। राजो महाराजो से क्या जिन पे चढ़ा अहंकार। गरीब का टुकड़ा अच्छा है जिससे प्यार टपकता है। शबरी के जूठे बेर, शबरी के जूठे बेर राम ने मांग मांग के खाए। प्रेम जगत में है ऊंचा परमेश्वर से मिलाए। प्रेम जगत में है ऊंचा परमेश्वर से मिलाए। विदुर के घर के साग को याद करे संसार। विदुर के घर के साग को याद करे संसार। 56 भोग दुर्योधन के फीके और बेकार। दुर्योधन के हृदय में प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, तो कृष्ण महाराज ने उसके पकवान न खाए और विदुर के घर जाके साग और रोटी को खाया। नानक लालो की रोटी से बहे दूध की धार। जिस रोटी से खून टपके वो रोटी बेकार। एक अमीर के यहां गुरु नानक देव अतिथि हुए। सामने पूरी पकवान है, एक पूरी को लेके निचोड़ा तो उसमें से खून टपकता है। लालो बढ़ी जिसके यहां वो रहते थे
उसकी रोटी जेब से निकाली और उसको भींचा, उससे दूध निकल रहा है। नानक लालो की रोटी से बहे दूध की धार, जिस रोटी से खून टपके वो रोटी बेकार। नमक की रोटी खाने वाले हम गरीब फकीर, नमक की रोटी खाने वाले हम गरीब फकीर, परमेश्वर का नाम जपें गंगा जी के तीर। गगन से उतरे रोशनी जिकर जहां तेरा होता है, गगन से उतरे रोशनी जिकर जहां तेरा होता है, जिस हृदय में मिठास है उसका टुकड़ा भी मीठा होता है। जहां परमेश्वर का जिक्र है, सुमरन है और हृदय में प्रेम है, वहां परमात्मा का उजाला उतरता है। मीठा खाने से अच्छा तू मीठा मीठा बोल, घट घट में साहिब बसा फीका फीका ना बोल। मीठा खाना इतना अच्छा नहीं जितना मीठे बोल बोलना, घट घट में परमात्मा का प्रकाश है तू फीका फीका ना बोल, रूखा फीका ना बन, कड़वी बातें ना कहे। अनसुईया के घर की रोटी देवता याद करते, अनसुईया के घर की रोटी, तीनों देवता गए थे अनसुईया के यहां, कहा वस्त्रहीन होके भोजन बनाओ। अनसुईया ने उन तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना दिया, अपने हाथ से बना के रोटियां खिलाई। अनसुईया के घर की रोटी देवता याद करते, किसी पतिव्रता से ठिठोली करते हुए अब डरते। संतो किसी का नमक खाके मत करियो नमक हराम, जिसका नमक खाया है उसकी लज्जा रखना, जिसका नमक खा लिया है उसके नमक को हराम मत करना, दगा मत करना। संतो किसी का नमक खा के मत करियो नमक हराम, जिसका नमक खा लिया उस पे सब कुर्बान। साधो वो साधक भला, साधो वो साधक भला जो रोज करे उपवास, कम खावे और कम बोले
करे पार ब्रह्म का जाप। हे संतो, वो साधक अच्छा है जो रोज उपवास से रहता है, कम खाता है, कम बोलता है और परमेश्वर के नाम को जपता रहता है। साधो, वो कैसा साधक, साधो वो कैसा साधक जो अल्लम गल्लम खावे, बोलता बोलता रुके नहीं, लोगों में बैर करावे। वो साधक अच्छा नहीं जो हर वक्त खाने पे चढ़ा रहे, जो भी मिल जाए उसी को खा ले, खाने के पीछे पागल हुआ रहे और ज्यादा जो बोलता रहता है और जो लोगों में आपस में फूट डाल दे, प्रेम को खत्म कर दे, दो मित्रों में बैर करा दे, उसको साधक नहीं समझना चाहिए। जब तक रहो गुरु के साथ, करो साधना और उपवास। जब तक तुम गुरु के संग हो, उपवास करो, हर घंटे पे आराधना करो, गुरु चरणों में बैठे हो तो अपने मन को गुरु चरणों में रखो, परमेश्वर का स्मरण करते रहो, आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश को भरते रहो, भरते रहो। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा।